हेलो बच्चों बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। आप किसी भी क्लास में अगर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या इसमें हम पूरे में से पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों की आंसर है येस। अकाउंटेंसी के अंदर आप 100 on 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर तरीका कि किस तरह से आप चीजों को करें और आप अपने फुल मार्क्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, एक प्रोसेस समझना है। अगर हमारा टारगेट है कि हमें 100 मार्क्स लाने हैं, तो 100 मार्क्स तक पहुंचने के लिए जो हमारा प्रोसेस है वो किस वे में होता है। अगर हम अपनी पढ़ाई को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, सबसे पहला स्टेप आता है लर्निंग का, जिसमें आप चीजों को सीखते हैं सबसे पहली बार, है ना, सिलेबस कंप्लीट होता है। दूसरा पोर्शन आता है प्रैक्टिस का, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस करके अगर छोड़ दिया एक बार तो भी बात नहीं बनेगी। फिर अगला स्टेप आता है रिवीजन का, यानी कि उन चीजों को रिवाइज करना है। उसके बाद अगला स्टेप आता है इवैल्यूएशन का, क्योंकि जब हम रिवाइज तो करते हैं पर कई बार जब हम एग्जाम में बैठते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, तो हमारे मार्क्स नहीं आते, तो उन चीजों को हमें इवैल्यूएट करना भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से पहले की तैयारी में मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करना, क्योंकि उस पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, जिसने अगर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा या जिसके मन में अभी भी डर है, तो आप क्या करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप है आपका, देखो, लर्निंग का, ठीक है ना। आप चाहे स्कूल से पढ़ रहे हो, चाहे ट्यूशन से पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बुक से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये पहला स्टेप है। आप इस पे फोकस करो, जब पढ़ने बैठो तो इस मोटिव से बैठो कि मेरे को सीखना है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुनो, हो सकता है कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी चीज जरूरी नहीं है पहली बार में ही समझ आ जाए, लेकिन लर्निंग स्टेज है तो कोशिश करो कि आप समझो चीजों को, पहली बार पढ़ो इंटरेस्ट के साथ, ताकि वो चीजें आपके माइंड में रिटेन हो सके। अब अगर आप स्कूल में जाते हो, अच्छे से स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो वेल एंड गुड। ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, तो वेल एंड गुड। और यूट्यूब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं तो आपको खुला ये दावा देता हूं, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो डेडिकेटेडली जो मैं करा रहा हूं, अगर आप वो कर लोगे और जो मैं गाइड करूंगा आपको, अगर उसको प्रॉपरली फॉलो कर लोगे, बाद में रिवीजन, सैंपल पेपर्स, अगर सब कुछ कर लिए मेरे कहे, तो आपके 95% मार्क्स तो डेफिनेटली श्योर शॉट है, मुझसे कोरे कागज पर लिखवा के ले जाओ। लेकिन जो मैं कहूंगा वो फॉलो करना है आपको अच्छे से। फिर आप अगर किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, बुक्स आपको पता है कौन सी अच्छी हैं, आप उनसे पढ़ रहे हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। ये हो गया आपका लर्निंग का पार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चंस की अकाउंटेंसी में, सबसे पहली चीज है स्पीड, यानी कि अकाउंटेंसी का पेपर आप मान के चलो 3 घंटे में नहीं हो पाएगा कंप्लीट, अगर जिस हिसाब से आप अभी पेपर सॉल्व करते हो उसी स्पीड को लेकर चले। अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी दिक्कत सभी बच्चों के साथ ही आती है, सब कहते हैं पेपर लेंदी था, लेकिन वही सेम पेपर कोई बच्चा सॉल्व कर लेता है, उसके 100 मार्क्स भी आते हैं, किसी का छूट जाता है। तो पेपर लेंदी नहीं था, आपकी स्पीड स्लो थी, है ना। जैसे मान लेते हैं एक रेस हो रही है 400 मीटर रेस, तो जो सबसे लास्ट आया रेस में वो कह रहा है ट्रैक तो बहुत बड़ा था, जो फर्स्ट आया वो ये थोड़ी ना कहेगा कि ट्रैक छोटा था, ट्रैक सबके लिए 400 मीटर का है, कौन तेज भागा वो फर्स्ट आया। सेम चीज है, पेपर वही है सबके लिए, आप स्लो करोगे आपका छूटेगा, जिसने तेज कर लिया उसका हो जाएगा। स्पीड पर काम करना है जब आप प्रैक्टिस करोगे। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन के साथ, यानी कि खाली स्पीड पर इतना फोकस नहीं करना कि पता चला आप क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर रहे हो लेकिन वो समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो स्पीड के साथ साथ प्रेजेंटेशन का ध्यान रख के अपने घर में प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क में। इसके अलावा जब आप पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं साथ साथ मार्क करते चलो, पढ़ाई करते समय ट्रिकी क्वेश्चंस को मार्क करते चलो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि ये कोई कॉन्सेप्ट सीखा, हालांकि जो बच्चे मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मैं खुद मार्क करवाता रहता हूँ कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको स्कूल में, ट्यूशन में होमवर्क मिलता है, वो होमवर्क के क्वेश्चन जरूर करने, उससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस होती है। तो पॉइंट ये है कि अकाउंटेंसी में आपका दूसरा स्टेप हो गया कि प्रैक्टिस करनी है इस अप्रोच के साथ। अब प्रैक्टिस कर ली सर, रिवीजन के लिए हम क्या करें। देखो रिवीजन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब्जेक्ट में आप 100 कभी भी नहीं ला पाओगे अगर आपने रिवीजन नहीं करा। कोशिश करो एक साइकिल मेंटेन करने की, हर 7 से 10 दिन के अंदर अंदर रिवाइज होना चाहिए। आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, 7-8 दिन बाद उसका रिवीजन कर लो, फिर तब तक आपके चैप्टर 2-3 भी कंप्लीट हो गए, तो अगले 7-8 दिनों के बाद 1-2-3 को चाहे क्यूमुलेटिवली कर लो या 2 और 3 को कर लो, मतलब हर 10 दिन में 9 दिन में आपकी रिवीजन की एक साइकिल आनी चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर। साथ ही साथ
अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो। जब आप रिवीजन मोड में होते हो ना, तो उस समय देखो कि मैंने क्या गलतियां करी थी। अगर आप अपनी गलतियों को लिखते हो या कहीं पर नोट डाउन करते हो, गलतियों को एनालाइज करो। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस रिवीजन में ये करो। जब शुरू की पढ़ाई कर रहे हो ना, तब एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, लर्निंग है तब। तो जब एमसीक्यू करते हो, उससे रिवीजन बहुत अच्छा होता है। सारा चैप्टर दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है कि कहां से पूछा है, क्या नहीं, और प्लस आपके एंट्रेंस की भी तैयारी हो जाएगी इसी बहाने। इसी तरह थ्योरी रीड करो रिवीजन के टाइम पर, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं अकाउंट्स की थ्योरी, लेकिन रिवीजन में करोगे तो कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएंगे और थ्योरी भी हो जाएगी। फिर आपको इवैल्यूएशन करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट्स दो, और टेस्ट को टेस्ट की तरह दो। मतलब आप अगर ट्यूशन जाते हो, स्कूल में देते हो टेस्ट, या कहीं से कोई पेपर आपको मिलता है, तो उसको बिना देखे ही सॉल्व करो एक टेस्ट की तरीके से। और उसमें आप वेरिएशन रखने की कोशिश करो। कुछ छोटे टेस्ट रखो एक एक घंटे वाले, कुछ बड़े टेस्ट भी रखो जिसमें ज्यादा सिलेबस हो। जरूरी नहीं है कि सारे टेस्ट आपको चैप्टर वाइज ही देने, नहीं तो दिमाग में फिट हो जाता है हाँ एक ही चैप्टर है। मिक्स टेस्ट भी देने इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो समझ रहे हो, देखो पूरा प्रोसेस चल रहा है। आप लर्निंग पर भी ध्यान दे रहे हो, चीजों पर भी ध्यान दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन की साइकिल आपकी चल रही है, एमसीक्यूज थ्योरीज ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं, और टेस्ट देकर आप अपनी सारी बातों को इवैल्यूएट कर लोगे। अब जब बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियसली आपका टारगेट है 100 मार्क्स लाना, तो उसके लिए आखिरी चीज वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस का एक्सपोजर। देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। बहुत से चैप्टर्स में आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल आ गया, मेरे से हो नहीं रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने कभी पहले देखा नहीं होता। क्वेश्चंस का एक्सपोजर तभी होगा जब आप ज्यादा ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लगाकर बैठ कर टेबल चेयर पर, उसके साथ आपको ये मॉक पेपर्स करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं। फिर आप देखना कि ऑटोमेटिकली बोर्ड्स का पेपर आपको इजी लगेगा, छूटेगा भी नहीं, और डेफिनेटली आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर में टाइम गेम बहुत रहने वाला है और उसकी प्रैक्टिस मॉक पेपर से ही होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आई होप आप देखना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको शेयर कर देना अपने हर अकाउंटेंसी पढ़ने वाले जूनियर के साथ, सीनियर के साथ और क्लासमेट के साथ। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको लगता है या कुछ और भी चीज आप अगर पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो इन सारी चीजों को फॉलो करो और फिर देखो अकाउंटेंसी में कितना मजा आएगा और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।